गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल रेसिपी जो खास करके बच्चों के टिफिन में हम दे सकते हैं। अगर हम बीमार हैं या हमारे पास टाइम नहीं है, वो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और बच्चों के लिए दिया जा सकता है। बहुत इजी से हम बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आधा बाउल हमने लिए मैदा और आधा बाउल हमने लिए आटा। इसको लेके नमक और पानी मिला के इसको हमने जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं ऐसे इसका डो बना दिए हैं। आप पूरा मैदा भी ले सकते हैं, पूरा आटा भी ले सकते हैं, मगर आधा आटा और आधा मैदा लेके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं उसमें आधा आटा और आधा मैदा लेके मैं इसमें डो बना दिया है। चलिए आगे इसके साथ क्या करते हैं देखते हैं। ये हमने ले लिए पाउडर शुगर और मिल्क पाउडर। पाउडर शुगर चीनी को हम पीस के लिए हैं, उसमें से हम कुछ पाउडर शुगर और मिल्क पाउडर को एक साथ मिला लेते हैं। मिला के उसको रख देते हैं जो हम उसको बाद में काम में आसान हो जाएगा। अभी जो पेड़े रखे थे उसको हम बेल लेते हैं। बेल लिए हैं, अभी हम उसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगा देते हैं अंदर की तरफ। तेल को थोड़ा फैला लेते हैं और जो रखे थे पाउडर शुगर पाउडर और मिल्क पाउडर उसको थोड़ा उसको फैला लेते हैं एक डेढ़ चम्मच। फिर हाथ में थोड़ा सा उसको फैला लेके फिर हम उसको चार कोना पराठा इस तरह बनाएंगे। आप उसको तीन कोना भी बना सकते हैं। ऐसे चार कोना करके फिर उसको बेल लेते हैं। इसी प्रकार हम सारे पेड़े को बेल के रख देते हैं। ये देखिए हमने सारे पराठे बेल के रख दिए हैं। अभी हम एक एक हम उसको सेकेंगे। यहाँ हमने सेकने के लिए घी का इस्तेमाल किया है, आप उसको तेल के साथ भी बना सकते हैं। दोनों साइड अलट पलट करके हम पराठा बना लेते हैं। एक पराठा बन गया है, दूसरा भी डाल देते हैं, उसको भी इसी तरह बना लेते हैं। इसी प्रकार और भी बना लेते हैं। सारे पराठे बनके हमारा रेडी हो गया है। जब आपके पास टाइम कम हो और बच्चों को टिफिन देना जरूरी हो, आप उसको इसी तरह बना के बहुत जल्दी बना के दे सकते हैं। है ना झटपट बनने वाली रेसिपी।